जो जिसको हमारे असलाफ ने अपनी किताबों में लिखा। सरकार गौसुल आजम दस्तगीर लिखते हैं, हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती लिखते हैं, इस तरह से बहुत से बुजुर्गों ने लिखा। हदीस ये है कि अम्मा आयशा सिद्दीका का जो लकब है, और मुहद्दिसीन ने भी इसको इस एतबार से लिखा, शबे बरात के हवाले से नहीं लिखा, अम्मा आयशा के हवाले से लिखा। अम्मा आयशा का नाम आयशा है, सिद्दीक की बेटी इसलिए सिद्दीका है, लेकिन उनका एक लकब है हुमैरा, उन्हें हुमैरा कहते हैं, और ये लकब हुजूर अलैहिस्सलाम ने अम्मा आयशा को दिया। क्या? हुमैरा। हुमैरा का मतलब आप यूं कर सकते हैं, सुर्ख रंगत वाली, सुर्ख रंगत वाली को कहते हैं हुमैरा। अब इस पर मुहद्दिसीन ने जो बहस की है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने अम्मा आयशा को हुमैरा का लकब क्यों अता फरमाया, हुमैरा क्यों कहा, तो बात यह है कि अम्मा आयशा खुद फरमाती है, रावी कौन है, अम्मा आयशा सिद्दीका मेरे रसूल की महबूब जौजा। अम्मा आयशा सिद्दीका अहदीस में बड़ी बारीक नजर रखने वाली, हजारों ताबईन की उस्ताद हैं, सैकड़ों सहाबा की उस्ताद हैं अम्मा आयशा। 1/3 इस्लाम उम्मत तक पहुंचाने वाली है अम्मा आयशा। अम्मा आयशा वो है जिसकी शान में अल्लाह ने सूरह नूर की आयतें नाजिल की। अम्मा आयशा मोमिनीन की माँ वो है जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल हुआ। कायनात की कोई औरत जनाब हव्वा से लेकर के आज तक, आज से लेकर कयामत तक कोई औरत न पैदा हुई है न पैदा होगी जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल हुआ। ये अम्मा आयशा का बिस्तर है कि हुजूर उस बिस्तर पे मौजूद होते और अल्लाह का कलाम नाजिल होता। ये भी मेरे नबी की शान है, मूसा अगर तौरात चाहिए तूर पर आकर ले जाओ, ईसा इंजील चाहिए फुला मुकाम पर आकर ले जाओ, लेकिन कुर्बान मेरे मुस्तफा की शान ये है, महबूब कुरान चाहिए, तुझे नहीं आना, तू जिधर जाएगा कुरान भी तेरे पीछे पीछे आएगा, कुरान तेरे पीछे आएगा। महबूब तू हरम काबा में होगा तो कुरान वहां भी आएगा, तू मदीने तैयबा में होगा कुरान वहां भी आएगा, तू ओहद में होगा कुरान वहां भी आएगा, तू बद्र में होगा कुरान वहां भी आएगा, हत्ता के तू आयशा के हुजरे में बिस्तर पे आराम कर रहा होगा कुरान वहां भी आएगा। लेकिन कुरान, कुरान तो अल्लाह का कलाम है। आप तवज्जो फरमाए अपने नबी की शान क्या है, सबसे बड़ा मसला यही है कि इस उम्मत ने अपने नबी के मर्तबे को फरामोश कर दिया। बस पता नहीं यहूद और नसारा ने कैसे कांटे तुम्हारे दरमियान बो दिए, अब तुम्हारे अंदर मिलाप की कोई गुंजाइश नजर नहीं आती, इतनी गंदगियां बो दी गई।